तो दोस्तों चलते हैं जिस जगह पर जहाँ करने वाले हैं काफ़ी चीज़ ब्लॉग शूट, और आज देखते क्या होता है प्रगति मैदान के अंदर। हम चलेंगे वहाँ पर, देखेंगे किस प्रकार से है, और चलते हैं प्रगति मैदान की तरफ, क्या होता है, क्या क्या नहीं होना है, एक्सप्लोर करेंगे पूरा, वो दिखाएंगे किस प्रकार से। दोस्तों ये पुराना किला है जो दिख रहा है आपको सामने, काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है। यहाँ की स्टोरी भी बहुत काफ़ी बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, और काफ़ी चीज़ लोगों ने देखी थी। और हम पहुँच गए अभी आज यहाँ पर, ये है जू घर जहाँ है, हम आते हैं, क्राउड है जू घर का ये, और लाल किला देखो सामने, ये है पुराना किला। तो दोस्तों हम पहुंच गए पुराना किला और इंडिया गेट, अभी जू घर में जाएंगे, देखें किस प्रकार से क्या होता है। और हमारे पीछे पीछे जू घर है, और इस साइड में है लाल किला पूरा, जो देखेंगे एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा, इधर भी जाएंगे। और काफ़ी अच्छा इस टाइम मौसम है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं दिखाते हैं कितनी, काफ़ी यहाँ क्राउड भी आज तो कम है, वैसे और भी दिन ज़्यादा होते हैं, चलो दिखाएँगे। तो दोस्तों पीछे देखेंगे किला दिख रहा होगा आपको, पूरा नज़र नहीं आ रहा अब आगे को नज़र, पूरा किला, तो हर पीछे पूरा किला है जो काफ़ी बेहतरीन है। और मैं भी यहाँ बैठा हूँ, और चलते हैं अभी वहाँ जाना जहाँ हमारी जर्नी है, और वहाँ करेंगे पूरा सफ़र को, क्योंकि अभी हम आए थे कि अभी हम थोड़ा सा दिखा रहे थे यहाँ पे किस प्रकार से क्या होने वाला है, और एक्टिविटीज़ सारी हम दिखाएंगे। और अभी लाल किले के हमारे पीछे दिखते हैं, वहाँ तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन जाएंगे हमारी दूसरी डेफिनेशन जहाँ जाना है, वहाँ कुछ और जगह है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से है, थोड़ी फ़ोटो भी ले ली हमने। और पीछे है जू घर, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर पे आ गए हैं, और चलते हैं दिखाएंगे अभी क्या क्या करने हैं, हमें रखे जगह सारी चीज़ें अपडेट करेंगे आपको। तो दोस्तों फाइनली हमें यहाँ नहीं आना है, और हमें जाना कहीं और है, लेकिन हम थोड़ा सा घूमने आ गए, चल चलते तो रास्ते में मिल गया, तो हमने कहा चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। और चिड़ियाघर भी पास ही था प्रगति मैदान के, लाल किला भी पास था, तो क्यों ना हमने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं, चलते हैं वहाँ दिखाते किस प्रकार से है, थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊँगा यहाँ का। तो फाइनली यहाँ पर दिखाऊंगा, अंदर पर दिखाया आपको, और दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर बहुत सुंदर है, बहुत बेहतरीन टिकट काउंटर यहाँ पर है, और लोग यहाँ पर आते हैं, पर्यटक ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर, और एक बेहतरीन मौसम बना रहता है यहाँ पर। तो फाइनली हमने यहाँ देखा सारी चीज़ अच्छा लगा हमें, और चलते हैं यहाँ का पूरा कैप्चर किया, और आके अपडेट करेंगे सारी चीज़ आपको दिखाएंगे, और भी जगह दिखाएंगे हमें, काफ़ी बेहतरीन है सारा लाल किले का पूरा, पर्यटक भी आते हैं यहाँ पर काफ़ी बाहर विदेश से। दिल की सड़कों में और दिखाते हैं क्या क्या नज़ारा है, क्या क्या होने वाला है यहाँ पर, काफ़ी लोग हैं, बहुत सी टैक्सियाँ खड़ी रहती हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अपडेट रहती हैं, और चलते हैं आज प्रगति मैदान की ओर कि किस प्रकार से कहाँ का एक्सप्लोर हो रहा है, क्या है। ये दिल्ली की वो सड़कें हैं जहाँ प्रगति मैदान से जू के लिए जा रही है, और वो बेहतरीन एक नज़ारा यहाँ पर नज़र आता है, जिस तरह से मंजर चारों तरफ एक शांति सा यहाँ माहौल बना पड़ा है, जिस तरह से गाड़ियाँ चलती हैं सिर्फ, और कोई इंसान यहाँ कम नज़र आ रहे हैं। देखिए बहुत सी देखने को चीज़ मिली, और सुंदर चीज़ें यहाँ पर बना रखी है, बहुत अच्छा आर्ट बना रखा है उन्होंने, और एक एक चीज़ें दिखाने को मिल रही, इतनी सुंदर। तो दोस्तों बहुत सुंदर है यहाँ पर करके लाइक लोग बना रखे, और ये आर्ट गैलरीज है, दिखाते किस प्रकार के और भी चीज़ें, एक फाउंटेन है बहुत सुंदर सा। तो चार नंबर गेट पर पहुँच के फाइनली देखते हैं कैसा होता है यहाँ मंडपन द्वार, पहुँच के यहाँ पर तो दिखते हैं क्या क्या आइटम्स हैं, खाना पीना सारा चीज़ लगा बाहर भी, और एंट्री यहाँ से है वेलकम द्वार, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, काफ़ी भीड़ क्राउड आ रहे हैं, काफ़ी से लोग आ रहे थे, क्या होता है यहाँ से एंट्री होती नहीं हो पाती, अंदर तो घुस गए हैं, और यहाँ से एंट्री भी हो गई, और हम चल रहे थे द्वारा करते हैं, एक्सप्लोर करेंगे किस प्रकार से है, और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो आपको अपडेट करेंगे यहाँ पर।
काफ़ी क्राउड भी आ रहा है, काफ़ी लोग भी यहाँ पर, और चलते हैं देखिए क्या क्या होने वाले हैं। आप होने वाली टेक्सटाइल का सामने से कपड़ों का है यहाँ पर, जाना करेंगे पूरा स्टेप, और वहाँ से देखें एंट्री द्वार है जो सब लोग घुसेंगे वहाँ से एंट्री करेंगे। तो फाइनली चेकिंग हो गई है, एंट्री हो गई है, फिर तो आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चेक करेंगे, क्या क्या दिखाने वाला है आपको, और चलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली हम वहाँ पहुँच गए प्रगति भवन के अंदर, हमने काफ़ी दिखा दिखा वहाँ, काफ़ी पर्याप्त बढ़िया बढ़िया प्रकार के बेड, जिसके अंदर गद्दे और जो टेक्सटाइल यहाँ कपड़े मिल रहे थे, जिस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा था काफ़ी सुंदर लग रहा था माहौल वहाँ पे। मैंने क्या कैप्चर करूँ यहाँ पर, सारी चीज़ दिखाऊँ आपको, एक्सप्लोर करूँ, जिस प्रकार से मैं वहाँ गया था यार, ऐसा होता था कि यार एक अलग ही दुनिया में पहुँच गए हैं। सारे वहाँ जो भी चीज़ बने हुए थे, बड़े सुंदर सुंदर चीज़, बेड शीट हो गए, तकिए, पिल्लो कवर, इतने सुंदर सुंदर, जैसे किड्स के हो गए, चद्दर, सॉल, जिस तरह से तौलिया, हर प्रकार की थी वहाँ पर। देखने में तो मज़ा आ रहा था, लेकिन जहाँ कंबल इतने महंगे, लेकिन आप अगर वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के माध्यम से जाते या किसी भी ज़्यादा संख्या में खरीदने के लिए, ये उनके लिए था जो बड़े बड़े टेक्सटाइल के काम करते हैं, जिनके पास कपड़ों का उत्पाद का कार्य होता है, वो बड़े बड़े जैसे चटाई हो गई, जगदीश स्टोर हो गए, जैसे उनके पास ऐसे ऐसे कपड़े होंगे, नाना प्रकार के कपड़े, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे वहाँ पे देखने को मिले। जिस प्रकार से एक लगा हुआ है प्रकृति मैदान के अंदर, ऐसा लगा था कि एक अलग ही दुनिया में हम पहुँच गए, और वहाँ का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे वहाँ कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े, बड़ों के लिए कपड़े, और शॉल, चुन्नी, तकिए के पिल्लो, जिस तरह से हाथों से बनाए हर चीज़, एक एक हर चीज़, मखमल के कपड़े और फैब्रिक्स, काफ़ी प्रकार के नए नए फैब्रिक थे, और ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली कि जहाँ पर आपको ऊनी कपड़े मिले, और साथ में उन धागों से बनी हुई एक एक मशीनें, और काफ़ी चीज़ें वहाँ कभी पब्लिक थी, और पब्लिक ने सारा चीज़ वहाँ देखा, और मैं भी निकल पड़ा फिर उसी बहाने। मैंने क्यों ना देखते हैं किस प्रकार से यहाँ का प्रोग्राम हो रहा है। तो हम चले गए यहाँ पर प्रगति मैदान के अंदर, और हमने काफ़ी चीज़ कैप्चर करने की सोची, और काफ़ी चीज़ हमें देखने को मिली वहाँ पर, एक से एक रेशमी लद्दाख के कपड़े, जिस तरह से सुंदर सुंदर सूट हो गए, सुंदर सुंदर, और काफ़ी स्टॉल लग रहे, पिल्लो के कवर से लेकर, चद्दर से लेकर, दरी से लेकर, और नाइटी से लेकर, हर चीज़ आपको यहाँ प्राप्ति हुई। और जिस प्रकार से देखिए टी शर्ट, एक से बढ़िया, एक से एक बढ़िया शॉल, एक से बढ़िया कपड़े, जो रेशमी सूती बैग जूट के, जो जिस प्रकार से बने थे, और यहाँ पर हम कहीं जाते गए, और भी चीज़ हमने कैप्चर किया, देखने को मिला हमें काफ़ी चीज़, हमारा काफ़ी टाइम यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर अच्छी चीज़ देखने को मिली। आज ऐसा लगा था कि जैसे हम ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कपड़े, सस्ते से लेकर महंगे तक कपड़े आपको यहाँ पर मिलेंगे, और एक नाना प्रकार की सारी कंपनी यहाँ पहुँची हुई थी, और उन्होंने अपने अपने फैब्रिक का थोड़ा प्रोसेसन दिखाया, जिस प्रकार से यहाँ पर लोग देखने आए थे और अपनी डील पक्का करने आए थे। और यहाँ पर देखो पिल्लो के जो सुंदर सुंदर पिल्ले हैं, ऐसे लगते हैं कि इन पिल्लो में यार आराम करें तो उसका कुछ और ही मज़ा आता है। तो प्रगति मैदान के अंदर ये मेला लगा हुआ है जो काफ़ी दिन है, जो कल लास्ट डेट है इसकी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और देखिए ये है महाराष्ट्र, एक सितारा खपत का सुंदर। चलते आगे भी दिखाते हैं अभी क्या क्या चीज़ आपको, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर हम करने वाले हैं, कौन चीज़ दिखाने वाले हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है ना, मुझे तो लगता है यार यहाँ पर एक मज़ा आ रहा था, इतने सुंदर सुंदर कि आगे महाराष्ट्र के अंदर, अब देखो महाराष्ट्र के इतने सुंदर सुंदर की फूल बनाए हैं, और एक इतनी बड़ी तस्वीर बनाई जो बड़ी अच्छी सुंदर है। और भी चीज़ मैंने कहा कि ना एक फोटो मैं भी खींच लूँ, और चलते हैं भी दिखाते हैं किस प्रकार से, और भी क्या क्या किसी ने, कितने लोग यहाँ पर आए हुए, और यहाँ से परचेज करते रहे थे एक जो भी वहाँ का महाराष्ट्र का जो भी कपड़ा था, ऊनी कपड़े, सूती कपड़े, और ये मशीन में बनाते हुए दिखाते हैं किस प्रकार से कपड़े का वहाँ बनाया जाता है, और बहुत सी चीज़ें और भी, जैसे कानों के ये घर के जो भी है सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, साड़ी, सूट, सलवार, दुपट्टे, हर प्रकार की चीज़ें मिलते, जैसे अग्नि सामान को कर रखा था, और यहाँ पर देख रहे सुंदर सोफे रखे हुए थे जो पूरे फैब्रिक से बने थे, और यहाँ पर नाना प्रकार की साड़ियाँ यहाँ बनाते हुए दिखा रहे हैं, यहाँ नाना प्रकार के सैंडल, चप्पल, जूते आपको देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से सामने बहुत अच्छे आर्ट्स भी रखी हैं, और साथ में हमने यहाँ से कहा कि थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं, और ये है हमारा एक नया भारत जो देखने को मिल रहा है। और हमने कहा चलो चलते हैं कुछ बाहर और भी चीज़ आपको एक्टिविटीज़ दिखाएं, और किस प्रकार से क्या क्या और होने वाला है, और भारत की जो चीज़ें हमारे जो लोग हैं काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ बना रहे हैं, और अच्छा लगता है इस प्रकार से लोगों को एक नया बिजनेस मिल रहा है। और यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चों के कपड़े, सुंदर सुंदर ऊनी जो विंटर के कपड़े भी आपको यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं, और यहाँ पर एक एक से नाना प्रकार धागे और भगवान की पूर्ति कपड़ों में बनाई है इस साड़ी का तभी। और यहाँ पर ये देखिए मशीन कितनी सुंदर है जो बहुत बेहतरीन है, जिसमें कपड़े, धागे तथा अर्थात चीज़ बनती हैं, तो यह
धागों की पूरी सेल थी यहाँ पे, धागों के हर प्रकार के, कोई रेशमी धागा, कोई लाइलन का धागा, कोई हर प्रकार के धागे थे। और यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियाँ मैं देख रहा जिससे से कपड़े भी किसी ने तो धागे का तिरंगा भी बनाती है। और यह मशीनें देखें जो धागे को बनाती है और बहुत सुंदर धागे को लपेटती है, इसको पूरा कवर करके उसे कपड़े को बनाती है, ये मशीनें हो गई हैं। तो बहुत सी चीज़ें कंपनियों को आपको मैंने अपडेट करी क्योंकि हम बहुत सारी कंपनियाँ थी जो अपने धागों को लेकर आई है और दिखाना चाहती है किस प्रकार से यह कंपनी अच्छा बेहतरीन कर रही है और आपको अच्छे से अच्छे कपड़े मिल सके जो यहाँ देश से विदेश लोग यहाँ पर आकर इस चीज़ का मजा लुत्फ उठा रहे थे। तो मैंने अपना क्यों अपना कैप्चर करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ किस प्रकार से यहाँ सुंदर सुंदर माहौल बना है। और आज इस सुंदर माहौल को हम कैप्चर कर रहे हैं तो यहाँ पर कपड़ों से कितना सुंदर ये बनाया गया है और ये देखिए बहुत बहुत बेहतरीन। और चलने का चलो दिखाते, ज़्यादा बातें ना करते, लोगों को जितने हैं लोग वहाँ भी लोग भी है सारे कपड़े गारमेंट सारी चीज़ आपको अपडेट कराने लगे क्योंकि यहाँ पर देखो सुंदर सुंदर साड़ियाँ जो इतनी महंगी हैं जो कॉस्टली भी हैं, साथ में अच्छे अच्छे जो यहाँ पर अंकल जी को बनाते दिख रहे हैं, दो अंकल लगे हुए हैं बुजुर्ग लोग हैं दोनों कर रहे हैं। और मैंने कहा कि ना इनका भी कैप्चर करूँ किस प्रकार से क्या कर रहे हैं। चलिए आगे की एक्टिविटी आपको हम दिखाते रहेंगे किस प्रकार से और क्या क्या हो रहे हैं, कितने लोगों की भीड़ है वहाँ, कितने लोग परचेज करते खरीद भी रहे थे, जिनको जो जो पसंद आया वो ले भी रहे थे। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितना सुंदर सुंदर हो रहा है और यहाँ इनका किस तरह से साड़ी बुनते हैं वो दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते आगे भी और क्या क्या हो रहा है। वहाँ भी लगा देखते क्या क्या किसी से आइटम देखते हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ भी एक बड़े अच्छा दर्द जो है म्यूजिक भी है यहाँ का और काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर जो गीत। अपडेट यहाँ पर है काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें प्रदान की यहाँ पर। चलो दिखाते हैं और भी क्या क्या चीज़ यहाँ पर अपडेट है। ये राजस्थानी शायद है लकड़ी थोड़ी सुंदर आकृति बना रखी है, भरतनाट्यम और चीज़ें भी देखने को मिल रही है यहाँ पर। गणेश जी की मूर्ति ये हाथ से बनाई जाती है काफ़ी सुंदर। अगर आपको आर्ट पसंद है तो काफ़ी सुंदर सुंदर अच्छे आर्ट यहाँ बने हुए, काफ़ी कपड़ों में एक आर्ट बना हुआ है जो इतने सुंदर कपड़ों में इतनी शानदार और इतनी प्यारी प्यारी गुड़िया वहाँ रखी हुई थी, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा था, लग रहा था कि इनको ले लो। इनके रेट थे कुछ 500 कोई 1000 कोई अलग अलग गणेश जी के रूप में, कोई यहाँ बड़े लकड़ी के बहुत सुंदर सुंदर यहाँ बना हुए थे। तो एक अच्छा सा लग रहा था यहाँ पर, लग रहा था यार एक नई चीज़ हमें देखने को मिल रही है और एक यूनिक चीज़ हमें यहाँ देखने को प्राप्त हुई।
और देखिए किस प्रकार से गणेश जी की है। और यहाँ पर एक आर्ट है, एक बहुत बेहतरीन आर्ट दिखने को मिल रही है। और यहाँ पर एक लैंप्स दिख रहे हैं, इतने सारे लैंप्स हैं। तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ क्या 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 चीज हम और भी कैप्चर कर सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं। और यहाँ से सुंदर सुंदर चीजें बनाई हुई है इन्होंने, यार इसको लग रहा था दिल छू वाली चीजें थी। और खरीदे ये तो अच्छा मैट बना रखा है, और ये जो हम लटकन होती है आठ की लटकन से बना रखी घर के लिए। और फिर हमने कहा चलो और भी दिखाते हैं क्या होता है यहाँ पर, और लोगों से बात करेंगे और किस प्रकार से यहाँ पे क्या कार्यक्रम। बहुत सुंदर लगा था हमें, और हमने आपको धीमे धीमे करके कैप्चर करें और यहाँ पर जगह दिखाएं। और हम देख रहे थे यहाँ पे खाने पीने का सामान भी काफी चीज यहाँ पे मिल रहा था, रिजनेबल रेट था, और आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ काफी चीज पसंद किया, हमें देखने को अच्छा भी लगा। यहाँ का हैंडलूम सारे जो टेक्सटाइल है वो अपडेट किया हमने, और यहाँ पे और भी क्या चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर ये वो झंडे सारे हमारे भारत के जितने भी लोग जितने भी हमारे अभी G20 से जुड़े थे, तो सारे जिस देश के झंडे लगाए गए हैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन। और हमें भी आपको अपडेट अच्छा लगता है इस प्रकार से, इस प्रकार से दिख रहे हैं। और मैं खुद तो अपनी वीडियो ये देखने को मिली है। और काफ़ी टेक्सटाइल का सारा काम था यहाँ पर, कपड़ों का इतना सारा जो भी है सारे व्यापारी उनके लिए बना रखा है। और काफ़ी अच्छा था, मैंने यहाँ पर फोटो शूट किया सारा, और मैं जितना हूँ आपको अपडेट करूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि जितना हम देख सकते हैं उतना हम अपना कैप्चर करके यहाँ पर आपको रिकॉर्ड किया, क्योंकि चाहते हैं कि आपको हर चीज़ दिखे। और जो भी है कोशिश करते हैं कि हम हर चीज़ आपको दिखाएँ। और यहाँ पर अभी जो गए थे हम प्रगति मैदान के अंदर, काफ़ी से टेक्सटाइल का आजकल लगा हुआ था, और तो वहाँ पर हमने सारी चीज़ कैप्चर की, सारी चीज़ देखी क्या क्या थोड़ा देश के कपड़े थे, काफ़ी जगह कैसे काफ़ी लोग आए थे, और थोड़ा बहुत क्राउड भी था, भीड़ भी थी। और मैंने काफ़ी चीज़ कैप्चर किया, मैंने देखा वहाँ सबसे अच्छी अच्छी चीज़ थी जिसमें आप यहाँ पर आके ले सकते हैं, सिर्फ ऑनली लोकल नहीं ले सकते, बाकी जो बिजनेस करने के माइंड में है वो ले सकते हैं यहाँ से सारे कपड़े। तो आइए इन्जॉय कीजिए और सारे कपड़े रखिए। तो मैं थोड़ा सा यहीं पर दिखाना चाहता आपको, बस यहीं पर ब्लॉग समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, ओके बाय, मिलते हैं नई जगह पर।